ठीक है, जैसे मैं पहले किया था कुछ पार्ट छूट गया तुम्हारे यहाँ पे, अभी देखते हैं कि लाइक मैंने कौन सा पार्ट कंबाइन किया, ये पार्ट में बस कौन सा है फेसिस लग के मैं यहाँ पे फोर प्लस, ये तो मुझे यहाँ से मैं पता चल जाएगा। अच्छा ये पार्ट में बस यहाँ पे फोर एंड फाइव यहाँ पे, तो जो फोर फाइव करो एंड सिक्स करो, बहुत ही छोटे स्केल है, इसका मतलब क्या है इसको और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल एंड स्पेस बार यहाँ से मैंने क्या किया ऑफ कर दिया, अभी बहुत ही जो छोटे छोटे है ना उसको उसको मैंने यहाँ पे क्या करना है फेसिस लग कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो पूरे पूरे पार्ट आ गया। आर फोर स्केल जैसे आप छोटा करोगे तो उसका वहाँ पे चेंजेस दिखेंगे, अभी तो यहाँ पे स्केल हो रहा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे मैंने जो चीज़ों को मैनेज कर रखा है ये मूवमेंट आल है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या है डिस्टॉर्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट है डब्ल्यू ई एन आर और एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं स्नैपिंग ऑन तो नहीं है, यहाँ पर कुछ हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, जब हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे स्केल के अंदर यहाँ पे स्नैप ऑन है बाय चांस, इसे ऑफ कर देंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करते हैं मैंने यहाँ पे फेसेस ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करो आप यहाँ पे राइट क्लिक एंड फेसेस। ठीक है, पूरा सेलेक्ट करके देखो मैं यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। तो ऐसी भी कभी प्रॉब्लम आती है जब आप देखते हो ना कि यहाँ पे ऐसा हुआ क्या, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे प्लेसमेंट हो, यहाँ पे प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, और इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, ये किसका पार्ट है ये सेलेक्ट करो, फोर प्रेस करो, आपको दिखेगा यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उसका हम लोग डील कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पूरा का सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा पार्ट बस ये आ गया। तो अभी देखो ये पार्ट बस यहाँ पे है। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट है फोर फाइव, फोर फाइव ऊपर वाला पार्ट है, ये ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा मैनेज करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे फाइव एंड सिक्स करो आप यहाँ पे, यहाँ देखो। तो अभी मैं अगर इनको छोटा कर दूँगा यहाँ पे, तो इसे पहले बड़ा करते हैं इक्वली। ठीक है, और देन इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोनों को अलग से ऐसा स्मॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप डबल क्लिक कर लो आप यहाँ पे, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो स्केल कर सकते हो आर फोर स्केल। तो इसके साथ हम लोग करेंगे तो मैनेज हो जाते। ठीक है, ये लाइक इसको स्केलिंग का बेनिफिट क्या है ये भी बताता हूँ। जब आप छोटा करते हो ना यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि लाइक जो भी पार्ट होंगे उसके जो टेक्सचर साइज वो बेटर आएंगे क्या। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पर नीचे वाले में देखा डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, डिफरेंसेस को हमें समझना है कि मेरे पास अगर ऐसा कुछ पार्ट है तो ऐसे पार्ट कैसे दिखने वाला है। ठीक है, ये इससे छोटा पार्ट है, इसको भी हमें सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो सेल ऐसे पकड़ के हम लोग यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। तो ये पार्ट में इसके साथ ऐसे अरेंज करेंगे, लेआउटिंग को हम लोग खुद कस्टमाइज करें कि हम लोग खुद बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारे लिए बेनिफिट होगा। मुझे याद है देखो ये पार्ट में बस कहाँ का, ये पार्ट मैंने देखा, ये पार्ट में बस यहाँ का देखा, इसके साथ ये पार्ट में बस इसके सामने, इसके साथ वाले पार्ट कौन से ये देखो। ठीक है, ये पार्ट कहाँ पे, ये पार्ट यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट कहाँ का चेक करो, फोर प्लस करो, ये पार्ट यहाँ का, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं उठा लेते हैं भाई। तो ये पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे, इनको एक साथ अरेंजमेंट करता था कि मैं टेक्सचर लगाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, ओके, ये भी पार्ट में यहाँ पे लेके प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं अरेंज कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे अरेंज करके लेके चलना है, तो मैं कैसे अरेंज करता हूँ ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट मैंने अरेंज किया, सारा पार्ट ऑलमोस्ट हो गया, इसको मैंने उठा के यहाँ लगा दिया। तो यहाँ लग गया, अभी तो पार्ट छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैनेज कर सकते हैं, प्लेसमेंट देना चाहे दे सकते हैं। अभी यहाँ पे कॉलकाता स्केल किया मैंने यहाँ पर लिटिल। ठीक है, ये जब चैकर्स तो से डिस्टर्ब कर लेंगे, चैकर्स ऑफ कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हो, इन दोनों का उठा के। ठीक है, डबल प्रेस के आप यहाँ पर बगल में रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ मेरे पास होता मैनेज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे कुछ रेड दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, अभी ये मैंने कुछ ऑन किया, यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे है। ठीक है, हम देखो ये पार्ट मैंने ऑन किया, यहाँ पे दिख रहा है। अभी कुछ चीज़ को यहाँ पे देखता हूँ, जैसे यहाँ देख रहा हूँ है क्या सीडी व्यू भी। ठीक है, ये नॉर्मल सीडी व्यू क्या दिख रहा है, जो रेड दिख रहा है इसका मतलब ये उल्टा है, ये सिलेक्ट कर। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोकस किया, ठीक है, फोर प्रेस किया,
ये अंदर वाला पार्ट है, लिखना नहीं है ठीक है, आप चाहो तो इसे रखना तो रख लो, नहीं तो हटाना चाहो हटा दो, आप सिर्फ प्रेस करके फ्लिप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिप कर दे, ये आपका ये आ गया ठीक है, ये चेक करो ये कौन सा पार्ट है, देखिए नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, इसे आप लोग फ्लिप कर सकते हैं ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड फ्लिप ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे ओके। जब चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, यहाँ चेक करो यहाँ पे जो भी चीज़ दिखे हमें कि कौन कौन सा पार्ट है, इनको क्रॉस चेक कर लेना था ठीक है। फोर प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये अंदर का पार्ट है यहाँ पे ठीक है, अंदर के पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूवी सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक शिफ्ट एंड फ्लिप, कोई भी रेड नहीं रहना चाहिए ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अपनी चीज़ों को लेकर सिक्स प्रेस किया मैंने यहाँ पे, चीज़ को थोड़ा मैनेज करना है, तो यहाँ पे जो भी मैं है ऑलमोस्ट सारे पार्ट होते हैं यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है, कि मैं यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकता हूँ, किस तरह से चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ हमारे अरेंज है यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे किसी चीज़ का अगर साइज़ बड़ा करना था, साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे स्पेस में इसको देख लेंगे, वैसे लेफ्ट वाला पार्ट, इस लेफ्ट वाला पार्ट को मैं थोड़ा और स्केल करना चाहूँगा, इज इट पॉसिबल, थोड़ा सा देखो यहाँ पे स्केलिंग मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्केल किया, थोड़ा सा मैनेज करने के लिए पार्ट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्केल कर दिया, तो लाइक यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इस पार्ट को देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, तो मुझे इसके यहाँ पे ये और ये पार्ट को मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा, देख लो आप यहाँ पे ई पार्ट मैंने यहाँ पर सेट किया, ई पार्ट मैंने यहाँ पर सेट किया ठीक है, और यहाँ से टू सेल यहाँ से मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अभी ये प्लेसमेंट हम लोग बेसिक सा प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, मुझे अगर बेसिक प्लेसमेंट है मैं पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे क्या काम करना है, कॉर्नर ध्यान देना, कॉर्नर से हमेशा हटाना चाहिए, अभी ये पार्ट मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ ठीक है। अभी मैं आप मैं कोई पार्ट छोटा तो नहीं सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, सारे पार्ट वापस यहाँ पे आ गए ठीक है, तो बस एक पहला लेवल क्रॉस हो जाएगा, हमने अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर लिया ठीक है। जब हमने पेंटेड मेटल डेस्क निकाला यहाँ पे इमेज पे गए, और मुझे यहाँ पे पहले कलर सेलेक्ट करना है, मुझे कलर थीम देना है, अगर सपोज मुझे रेड देना है तो रेड मैं ऐसे निकाल लूँगा ठीक है। साइज ढूंढने का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, साइज बनाने यहाँ पे लार्ज करना है ठीक है, लार्ज करोगे बस लार्ज ऑप्शन मिलेगा ठीक है। पहले साइज पर मुझे कौन सा कलर करना है, रेड करना है, ब्लू करना है, ये आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर लेंगे, मुझे ऐसा कुछ सेपर टेक्सचर रेडी करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या सेव इमेज कर दिया यहाँ पे ठीक है, उनको ड्यू देना है, तो मैंने एक पार्ट ऐड ऑन कर दिया ठीक है। अब मुझे रेड पे करना है तो मैं रेड का पूरा पार्ट यहाँ पे लेके चलूँगा, मुझे ऐसा कुछ करना है ठीक है। इसके बाद मुझे और भी कुछ चाहिए, जिससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्सचर में यहाँ पे क्या ढूंढना है, पहले हम लोग पहले एक टेक्सचर लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्केचेज टाइप पर बात चीज़ को भी वर्क करेंगे ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, माया पे गए, माया पे हमने देखने पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मेरा पूरा पार्ट आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कैमरा वाला आइकन है ठीक है, इस पर क्लिक करो, यूवी स्नैपशॉट यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वी लैंप यूवी किया, सेव किया मैंने यहाँ पे, साइज मुझे 2K देना है, मुझे डिटेल में करना है 2048, वैसे जो आपको स्टूडियो आपको बताएगा उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ को मैनेज कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे अगर ओपन किया मेरा लैंप यूवी आ गया, उसको मैं ओपन कर देता हूँ, ओपन विथ फोटोशॉप। अभी यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं कि मेरे जो लैंप का पार्ट है यहाँ पे, जब ये खुल रहा है फोटोशॉप ठीक है, अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे पहले क्रॉस चेक करो इस पार्ट कौन सा, ये पार्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे फेसेस खुल ले दो कंट्रोल, ये पार्ट कौन सा है मुझे पता चल जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं देखो ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा यहाँ पे, मुझे वो फ्लैट यूज है ना, तो मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे अगर चूज अप्लाई करूँगा तो मेरे यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, काम करते हैं यहाँ पे काम किया ये लैंप ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इमेज और ओपन करना है, ओपन किया मैंने ठीक है, कंट्रोल वी डिलीट कर ये टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो मैं अगर कुछ नहीं भी कर रहा तो मैंने सिंपल वी अनलॉक किया मैंने इसे ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, अभी मैं इसके यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, अनलॉक किया यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे, इसके यहाँ पे स्क्रीन कर दिया मैंने स्क्रीन। अभी यहाँ का स्ट्रगल मैंने कुछ नहीं किया तो भी मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट ऐसा आता है, कल से वैसे ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया,
सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मैंने लैम्बर्ट या ब्लिंग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है लेंथ। फाइल पे गए एंड देन कंट्रोल वी अरेंज किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो बिना कुछ किया तो स्ट्रक्चर बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगा यहाँ पे, हर जगह स्ट्रक्चर का प्रॉपर प्लेसमेंट दिखेगा। अब ये क्यों दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखाया यहाँ पर प्रॉपर देखो, यहाँ पे यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है, यहाँ पे चीज़ देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ है जो देखो प्रॉपर दे रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट देखो टेक्स्ट में वैसे ही प्रॉपर यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे चलते हैं फोटोशॉप में, साइज को छोटा करते हैं, ठीक है। मैंने बड़ा साइज ले रखा है यहाँ पे, कंट्रोल टी किया मैंने यहाँ पे, बहुत सारा छोटा कर लेते हैं ताकि और दो बैठे देखिए। यूवीज कौन रखना है, यूवीज देखो, यूवीज कौन रखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इनको मैं अलग अलग से भी दे सकता हूँ, अलग अलग से मतलब लाइक जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, किसी पे मैं कुछ और पार्ट देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ, दिखा था जैसे देखो मुझे भी यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्ब्रेस किया मैंने, ठीक है। इतने भी मैंने सिंपल मैंने कोई कलर लिया, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। कंट्रोल डी यहाँ पर मैंने ऑफ किया, कंट्रोल एस किया, सॉरी यहाँ पर जैसे रिलोड कर दिया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट रिलोड, यहाँ देखो अब दूसरा कलर आ गया। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए लाइक मुझे यहाँ पे लैंप में अगर मैं बनाऊँ तो लैंप में सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट डालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे अपने इस मैप का एक डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे डुप्लीकेट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑपेसिटी कर दिया या ट्रांस कर दिया यहाँ पे, ई आर ए एम एस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी ट्रांसपेरेंसी में मुझे यहाँ पे करना क्या है, इस वाले पूरे पार्ट को जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे देखो, अलग अलग लेयर पे आपको काम करना है, अलग अलग लेयर पे काम करो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मैंने वही सिलेक्शन लिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया, ओके। इस वाले पार्ट को मैंने सिंपल वाइट कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर वाइट किया, यहाँ पे मैं सही पार्ट रहा, यूज ऑन रखना है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया जिसमें आ गया, ठीक है। ठीक है अभी ये अगर मैं ऑपोजिटिव में डाल दूँ, फॉल सेव है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑपोसिटी कर दिया, यहाँ पे मैंने लाइक पी जी कर दूँ या जे पी जी कर दूँ फॉर ए टाइम में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट चेक करें यहाँ पे कैसा था, तो मेरे को यहाँ पे मैप की नॉलेज मिलेगी, यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फाइल पे गए, यहाँ चेक, ये देखो आ रहा ट्रांसपेरेंट, ये नहीं लगा ट्रांसपेरेंट। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे जो मैनेज करना है वो मैं मैनेज करूँगा, फिर ट्रांसपेरेंसी का फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे जहाँ पे मुझे अगर दिखाना है बहुत सा लेकर विजिबिलिटी दिखानी है तो वहाँ पर मैंने ग्रे कर दिया, जहाँ पर मुझे नहीं दिखाना वहाँ पर मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। अभी यही काम मैं अगर अपने इसमें मैप में करूँगा, यहाँ पे कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे फोटोशॉप, अभी मैंने यहाँ पे कुछ मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ मुझे मैप्स चाहिए स्केचेस के, तो मैं स्केचेस के अगर मैं मैप को सर्च करूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्केच स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे किया, अभी मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ किया लाइक मुझे यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट काइंड ऑफ ऐसा कुछ, ठीक है। फाइल को मैंने सेव कर लिया, सेव इमेज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलते हैं फोटोशॉप पे, फोटोशॉप पे गए, यहाँ पर मैंने फाइल को कर दिया मैंने ओपन, ये आपका स्केच आ रहा है, ठीक है। अभी स्केच वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, वी प्रेस करते क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। यहाँ यू चेक कर रहे सी पार्ट है यहाँ पे, मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। कंट्रोल भी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने कुछ इस टाइप से ऐसा कुछ सेट कर दिया, ठीक है। एक्समाइज करते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या है, और लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया कि जस्ट कॉपी कर ली मैंने, एक कॉपी और कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, लाइक इस तरह से मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे,
ठीक है, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो मैं मास्क पर जितना पे देखो इतना पार्ट है ना, अभी यूवीज में बस कम्प्लीट हो गया, जितने पार्ट में यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे क्या मास्क भी प्रेस किया, मैंने भी साइज को छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से आता ये कर दिया, तो ये मैच इतना हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे सिंपल का पार्ट कंट्रोल लेस करो, ठीक है, कहाँ गए माया, कहें आपका माया, माया में गए, यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर राइट क्लिक मटेरियल एनेबल, देन देखिए यहाँ पे आपको स्केचेस भी दिखेगा, ठीक है, आप ये पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा, और वी प्रेस करो यहाँ पे बैटन दिखा विजुअल है। अपने पहले क्लैंप में कोई ऐसा ग्लास को ऐसा फिर से देना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे चूहे को मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे चूहे को दिखा देते हैं, पुराना दिखाना तो हम लोग पुराना यहाँ पे दिखा पाए, भाई मुझे ऐसा कुछ दिखाना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विच कर दिया मैंने ये ऊपर की तरफ, ज़्यादा मैंने इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल कर देते हैं, मेरे पास ये ज़्यादा बेटर लग गया, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल लेस किया, नीचे की तरफ ज़्यादा स्केचेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो लाइक मैं इनका मैनेज कर सकता हूँ, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे जाएगा फिर नीचे की तरफ स्केचेज ज़्यादा दिखे हैं। अगर आपको लगता है मुझे ऊपर नीचे दो तक देना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट इसी की कॉपी ले लो, कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दोनों को पकड़ लिया, अभी यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है, नहीं वर्टिकल करके देखें यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इफ यू वांट मास्क, तो मास्क आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और बस अभी मुझे ऐसा कुछ बनाना है मैं बना सकता हूँ, ठीक है, तो बनाने का बस यहाँ प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी मैंने अभी ये पार्ट कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया, मैंने कर दिया ग्लास जी एम ए ग्लास, ठीक है, ग्लास के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। टेक्सचर हमें ऐसा कुछ बनाना आना चाहिए हमें, ठीक है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए ट्रांसपेरेंसी पे गए एंड लेंथ रिलोडेड, यहाँ पे गए इसको भी रिलोडेड कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो देखो ऊपर नीचे आपको दोनों तक स्केचेस दिखी है। अभी आपको जितनी विजुअलिटी दिखानी है उसका कैसा काम करने वाले, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस भी देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ करना है तो मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमने ये रेफरेंस देखा, रेफरेंस आपको देखो पता चलेगा कि भाई एक कलर के ऊपर दूसरा टेक्सचर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपल सा पार्ट, मैंने मेटल मेटल स्केचेस टेक्सचर में निकाल लिया, ठीक है, मेटल आपका डॉट टेक्सचर ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर मैं मेटल का डॉट टेक्सचर मैं निकाल रहा यहाँ पे, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जो मैं अगर उसमें कुछ दिखाऊँ तो आपको कुछ ऐसा कुछ काम है, ठीक है, डॉट टेक्सचर हो गया आपका, लाइक स्केचेस टेक्सचर निकाल लो, ऐसा कुछ पार्ट जो थोड़ा देखने में ठीक लगे, नीचे से ऊपर का पार्ट थोड़ा दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हो, लाइक ऐसा कुछ पार्ट आपने दिखा दिया, ठीक है, कुछ अभी एक के ऊपर से दूसरा स्केचेज आएगा तो दो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, साइज़ हमने शायद बड़ा नहीं किया, साइज़ बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, टू साइज, साइज में गया मैंने लार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐसे लेना है जिसमें क्या साइनिंग ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे कुछ मैं टेक्सचर ले सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ लिया, दो चार अलग अलग टाइप के टेक्सचर को देख लेना है, ये देखो सिंगलेस टेक्सचर, एक टेक्निक और बताता है। अभी मैं यहाँ पे गया फोटोशॉप पे गया, ठीक है, कंट्रोल एंड माइनस इसको बंद करते हैं यहाँ पे, देखिए किसी नहीं है, कंट्रोल एंड माइनस, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, मैंने टेक्सचर कॉल कर लिया, फाइल पे गए, ओपन किया मैंने यहाँ पे, ये सीमलेस टेक्सचर है, ध्यान रखना सीमलेस टेक्सचर सर्च करके मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने इसे अनलॉक किया, अनलॉक करने का कंट्रोल एंड क्लिक करना है, ठीक है, ये सिलेक्शन आ जाएगा, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे एडिट पे गए, यहाँ पे क्या होता है डिफाइन ब्रश पे से डिफाइन पैटर्न होता है, डिफाइन पैटर्न करना, ठीक है, डिफाइन पैटर्न करने पर यहाँ पे क्या होता है, इस लेयर पे आ गया, यहाँ पे मैंने एक और दूसरा लेयर लिया, यहाँ पे एस फॉर स्टैम्प, स्टैम्प पर जाना, यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल लेना, यहाँ से हमने जो भी डिफाइन पैटर्न किया लास्ट में आ जाएगा, अभी मैं ब्रश का साइज बड़ा करूँगा यहाँ पे एंड देन यहाँ पे मैं पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जितना बड़ा भी आपका टेक्सचर का साइज हो उसमें ये पेंट हो सकता है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ पार्ट कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मुझे यूवी का ध्यान रखना, देखो मेरे पास ये यूवी है, यूवी में गए, यूवी में यहाँ पे जाने का मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ,
सर सर एक तो पहले बैकअप रख लो, बैकअप मतलब कंट्रोल जे, इसको मुझे यूज़ नहीं करना, ये मेरा बेस टेक्सचर है, बेस टी एक्स टी यू आर, ठीक है। बेस टेक्सचर पे गए, बेस टेक्सचर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले ब्रश लेता हूँ, बी फॉर ब्रश। अभी मुझे एक ब्रश बनाना है, देखो मैं ब्रश भी बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एडिट डिफाइन ब्रश ब्रशेस, ठीक है। मैं ब्रश बना रहा हूँ, ब्रश आगे मैं देखो ब्रश यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैसा आ रहा है देखना है, ऐसा कुछ बात। ब्रश में आते हैं, ब्रश के सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना है क्या मेरे पास। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे लाइक मैनेज कर सकता है, यहाँ पे ठीक है, सेटिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट भी आएगा जिसे मैंने क्लिक किया, सेकंड पे ध्यान रखना, ठीक है। ब्रश के बगल में, ठीक है, ब्रश सेटिंग, यहाँ पे स्कैटरिंग का ऑप्शन है, काउंट स्कैटर, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका काउंट हो गया, जिटर यहाँ पे, और देन ठीक है, ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ, स्कैटर यहाँ पे क्या हल्का ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और, शेप डायनेमिक होगा, शेप डायनेमिक पे जाना है, यहाँ पे एंगल आपको कर देना आपको लाइक 45 कर देगा, यहाँ पे 45 ध्यान देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ब्रश स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग काउंट मैंने अभी यहाँ पर करा, ये बस यहाँ पे ये चीज़ मैं बनाना बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चीज़ों को बनाऊंगा सर। स्कैटर कितना करना है, कम ज़्यादा है, ठीक है। साइज मैं छोटा कर लूँगा यहाँ पर, अभी देखो ये कैसा आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मास्क, नीचे का टेक्सचर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे ऑपेसिटी, ओके, साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे। मुझे मैनुअल पेंट करना पड़ेगा, मैनुअल पेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास यूवी सीधी है, तो मैं पे काम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूवी मैंने ऑन कर देता है, यूवी में देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आर्ट काम करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वन वन करके डील करूँ यहाँ पे, सबसे पहले काम करते हैं ये ध्यान देना कि मेरे पास अगर ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, किसका फेसिस लग किया मैंने यहाँ पे, फोर ब्रश करो, ये दिख रहा है इसका, तो ये पार्ट है, मैं इसमें पेंट कर सकता हूँ, नॉर्मली पेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट किसका, ये पार्ट मेरे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा छोटा बड़ा हमने पार्ट यहाँ पे रख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई कैसे क्या काम करना है। यहाँ पे क्या मैंने नॉर्मली यहाँ पे क्या किया, यूवीज को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं साइज को तो छोटा कर दिया, मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ से सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पर सेफ टाइम सेफ क्लिक करा तो मेरे स्केच जाएंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, जूम करके देता हूँ तो ये पार्ट मेरा कुछ ऐसे दिखेगा, जिसको मैं देखो मैनुअल ड्रॉप करते हूँ तो ऐसा कुछ पार्ट विजुअल है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, ठीक है, कुछ अलग से पैटर्न, ओके। अभी मैं यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट ऐसे भी ले सकता हूँ, ओके। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल एक लाइन से मुझे ड्रॉ करना, एक लाइन से ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये पार्ट है मेरे यहाँ पे, ठीक है, मुझे इस वाले पार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये फेसेस लग किया, देख रहे हैं, तो मुझे इतने से इतने लाइन पर मुझे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको स्विच करके दिखा रहा हूँ, साइज छोटे किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ऑपेसिटी एंड फ्लो पे यहाँ पे थोड़ा सा काम किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंपल स्ट्रेट यूज है, तो मैं टेक्सचर यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इतने पार्ट पे मुझे लेना है, इतने पार्ट में कहाँ देखते हैं, यहाँ पे इससे नीचे दो पार्ट, ठीक है। तो मैंने इससे यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे दो पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, और मैंने यहाँ से यहाँ पे क्या किया, सिंपल वर्क यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए दिखता है कैसे, कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या स्ट्रेक्स यहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेचेस को बहुत स्ट्रेट आए, बिल्कुल ऐसा लगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। अभी इसको रेंडमाइज करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें समझना है। अभी मैंने यहाँ पे किया, मैंने मास्क रखा है, मैं जब भी इसे डिसेबल करूँगा ये चला रहेगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला, इसके लिए मुझे सेटिंग है, सेटिंग भी आता है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट है यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे सेव टाइम क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइज ऐसे किया, अब देखो यहाँ पे साइज कितना मैंने बढ़ाया, देखो यहाँ पे अब ये कम ऑन यहाँ पे ठीक है। अब ये कुछ ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है, अंडू अंडू अंडू, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे गए, अभी यहाँ पे स्केटिंग भी है, स्कर्ट भी बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा रैंडम दिख रहा है, अभी पहले से बेटर दिखा स्केचेस कैसे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसको बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में इस टाइप से भी आएगा, और देन यहाँ पे काउंट में इंक्रीज करूँगा, यहाँ पे काउंट थोड़ा सा ऐसे करने का। अभी इन चीज़ों को मैं समझना है कि लाइक मैं कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्सचर है, ठीक है, टेक्सचर पर मुझे कुछ नहीं करना, कलर डायनेमिक, ठीक है। बाकी इसके अंदर हमें और बाकी चीज़ का पे नहीं करना, नॉइज देख सकते हैं, एक बार नॉइज का आप यहाँ पे
ठीक है, नॉलेज हम आप यहाँ पे उस एड ऑन बना कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी से हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतने से मुझे यहाँ पे तो था, मुझे जो स्केचेस जो पेंट करना है डिलीट कर दिया यहाँ पे, मैंने मास्क दिया अभी देखा यहाँ पे, जो यहाँ पे साइज थोड़ा सा मैनेज हो रहा है यहाँ पे। अभी ये चीज़ मैं अगर मैनुअली डील करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मैं पेंसिल अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कैसे देखा, पेन पेंसिल मेरे पास यहाँ पे ये देखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से मेरे को दिख रहा यहाँ पे, दिख रहा है कम ज़्यादा दिख रहा है ये, लाइक कैसे थे स्ट्रोक वाइज, तो स्ट्रोक वाइज मैं अभी चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मगर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रैंडमली मैंने यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो देन यहाँ पे चीज़ ऐसे किसी पॉसिबल की यहाँ पे थोड़ा सा रफली यहाँ पे मैं स्केचेस मैंने यहाँ पे बनाएगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाता हूँ तो देन यहाँ पे देखो कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, तो मैं यहाँ पे अपनी टेक्स्चर को बहुत ही बेटर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कहीं पे कुछ ऐसा दिखा है लाइक सेव नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। अभी यहाँ पे चलो यहाँ पे हमने काम किया, ये मैंने दिखाया, चलो ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, कि मैं ऐसा भी कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और सेकेंडली और क्या बात कर सकते हैं, जस्ट सपोज लाइक आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको लाइक रिव्यूज के यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बैठ कर और नॉर्मल का यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक कर रहा पे जो मैं स्टेट लेके चल रहा हूँ, स्टेट में कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ किया मैं अगर यहाँ से क्लिक किया यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो मैं लाइक ये डिपेंड करेंगे आप यहाँ पे कैसे कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सिंपल ये जो वर्क करेगा वो वर्क ऐसे दिखेगा, लाइक आप यहाँ पे देखो माउस से करोगे माउस का एक अलग इम्पैक्ट आगे गिर देते हैं, लाइक ऐसे स्ट्रोक्स से आपके यहाँ पर नीचे का टेक्स्चर को कितना बेटर दिखा सकता है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक टेक्स्चर दिखा रहा है, मैट्रिक लुक एंड फील का पाएगा जब मैं इसमें मैनेज करूंगा, यहाँ मेरे एक मेटलिक लुक धीरे धीरे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लाइक एनस्ट्रॉपिक कर दूँ यहाँ पे, तो लाइन वो चाहिए और तो बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे रिलोडेड किया मैंने यहाँ पे, ये देखो, तो ये चीज़ मैं अलग से लुकिंग देना स्टार्ट करें। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबको मुझे मैनुअली आपको यहाँ पे पेंट करना है, तो आप वहाँ पे पेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप मुझे देखो जितने स्केचेस हैं कॉर्नर पे कैसे कैसे स्केच मैं वहाँ पे कैसे डील कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये डाउनलोड किया और मैं फोटोशॉप पे गया, एक सिंपल से स्टेप और आपको बताया था यहाँ पे, ओपन किया मैंने यहाँ पे मेटल डॉट ई आपका यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया वीट्रेस किया क्लिक एंड ड्रैग, ये पूरा पार्ट यहाँ पे देखा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ अरेंज कर दिया, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न आ गया ना, लाइक मैंने अपने यहाँ पे दिया ओवरले यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका पार्ट दो टेक्स्ट का इम्पैक्ट देखा है वो चीज़ और लोग फिर बेटर देखा है यहाँ पे, कंट्रोल किया मैंने यहाँ पे माइनस किया माइनस से, ठीक है, ऐसा करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे इसी टाइप से देखो यहीं इतने पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पे। अभी आपने यहाँ पे क्या कंट्रोल एस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो यही चीज़ आपके पास यहाँ पे दिखेगा, माया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट मैंने आप यहाँ पे ले सकते हैं, देखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपके पास टेक्स्चर का पैटर्न और भी आएगा, ठीक है, तो अभी ये डिपेंड करता है आप यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ को कैसे ब्लेंड कर सकते हो। अभी सोचते हैं मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, एक मैंने काम किया मैंने क्या कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया नॉर्मल नॉर्मल किया पे, ठीक है, नॉर्मल है फिल मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको लाइक अगर आपको याद है जैसे मैंने कहा ना मेरे पास कुछ कुछ मैप्स हैं, अभी मैं कुछ कुछ मैप्स को थोड़ा मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो अगर मैं इसमें वहाँ मास्किंग कर दूँ यहाँ पे, मास्किंग मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से रखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मास्किंग कर रहा हूँ और मैंने मास्किंग करने के लिए क्या किया यहाँ पे मैं कंट्रोल आई इन्वर्स कर दिया, ठीक है, बिफोर बस, ठीक है, मैं इसका अपोजिट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इज इट पॉसिबल मैंने अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा अपोजिट में कुछ ऐसा मैं शेप देता है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए जिसको मैंने डिसलेक्ट कर रखा है, डिसेबल या डिलीट पे मास्क कर दिया मैंने अभी, अभी मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी
यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से होता है यहाँ पे लाइक ऐसा कुछ समझो। यहाँ पे लाइक मैं तो अगर मैं रैंडमली यहाँ पे तो लाइक अभी साइज में कैसे कर रहा, मैंने और छोटा किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हैं अभी। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे कैसे आएगा लाइक मैं इनको तो था ऐसे नॉर्मली स्केचेस वाइज मैं ठीक को डील कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है मुझे ये तो होता ध्यान रखे काम करना है कि मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस टाइप की चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर मैं अरेंज कर सकता हूँ। जितने भी यूवीज हैं उन यूवीज के साथ मैं पे तो मुझे नॉर्मली डील करना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक मैं रफली यहाँ पे दौड़ा ये पार्ट में यहाँ पे ऐसे कुछ किया यहाँ पे, ये पार्ट ऐसे कुछ यहाँ पे, ये मतलब कि रेंडमली आपके यहाँ पे चीज़ चाहिए क्या। लेकिन ये दौड़ा हम लोग पेशेंस के साथ डील करेंगे। मैं आपको एक तरह रफली एक बार आइडिया दे देता हूँ भाई, ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन ये मैं अलग लेयर को मैं बेनिफिट क्या मिलेगा, कंट्रोल लेस किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मेटल एटीट्यूड यहाँ पे रिलोडेड, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या अभी कहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रोक्स बहुत बड़े दिख रहे हैं तो मुझे ना छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्ट में ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ काम करना था। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं इसे आर्ट वॉल पर डालते हैं, आर्ट वॉल पे गए, यहाँ पर मैंने क्या किया ए आई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ पर मुझे कलर पर डालना है, फाइल पे गए कलर, ठीक है, लैम्प टेक्सचर पी एच डी किया है, मतलब यहाँ पर लुकिंग भी अलग दिखेगा समझ रहे, यहाँ पर हमारा लुकिंग भी अलग दिखेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, मेटल का अलग पार्ट। अगर मैंने मेटल पे वो टेक्सचर डाल दिया, सपोज मैंने एक मेटल पे तो मैंने टेक्सचर भी डाउनलोड किया ना, अभी मैं भी बनाऊँगा वो सारे टेक्सचर, ठीक है। लेकिन जिस रफली दिखाता अपने पे मेटल में मैंने टेक्सचर डाला है, तो मैं जहाँ पे वो मेटल का इम्पैक्ट वो साइनिंग वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ घूमने पर आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है कहीं पे, आपके यहाँ पर इमेशन है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में दिख रहा है यहाँ पे, ऑपेसिटी मैप है, यहाँ पे गए फाइल पे गए, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया ट्रांसपेरेंसी मैप मिल गया। अभी ये पार्ट मुझे इसको अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर दिखा है, वहाँ पर दिखाने के बाद यहाँ पर मुझे पास कुछ ऑप्शन होते हैं यहाँ पे कि मुझे किस जगह पे यहाँ पर ऑपर्चुनिटी दिखाना है, किस तरह से मैं चीज़ों को डील करता हूँ, तो वो सारा ऑप्शन भी होते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैंने मैप डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, बम डालना है बम डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ों को दिखा सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा रख लिया दिया देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, जैसे मेटल का आपके पास यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, वेट कितना है, ठीक है, ये इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर साइनिंग रफ्ट साहब दिख रहा है अभी कितना आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर मेटल क्लिकन फील दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये मेटल क्लिकन फील आपको दिखना स्टार्ट होगा, ये बस मेटल क्लिकन फील है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर चीज़ को मैनेज किया क्लिकन फील मेरे पास यहाँ पर है, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या जो मैंने यहाँ पर जो डिसेबल कर दिया, ठीक है, या अगर मैं अनेबल करता हूँ तो देन मैं इनको, क्योंकि ये जो स्केचेज है ना, इन स्केचेज को मुझे बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर तो लाइक मैनेज कर देता हूँ। अभी इनको मैं जितना अच्छा डील करूँगा, देखो ये पेशेंस वाला काम है, इसको हम लोग फिर आराम से देखेंगे कैसे हम लोग बना सकते हैं। रफली मैंने आपको एक आइडिया दिया कि यूवीज के साथ आप कैसे डील करोगे, यूवीज के साथ अगर आप डील करोगे तो लाइन आप यहाँ पे कितने पार्ट को आप एड ऑन कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको अगर बनानी पड़ेगी मैनुअली आपको यहाँ पर डील करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रफली से आपका आइडिया देता है यहाँ पर, ठीक है, ऑन किया मैंने यहाँ पर ये पार्ट में यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे ये वाइट ही है, ठीक है, मेरे यहाँ पर पेन टेबलेट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केटरिंग ज़्यादा कर रखा था, मैं यहाँ पर तो छोटा करूँगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पे तो क्रॉस चेक किया यहाँ पे, देन यहाँ से तो ये पार्ट मैं कहता है यहाँ पे स्केचेज को यहाँ पे तो मैं मैनेज करूँगा, लाइक ये लाइक ऐसा लाइक ऐसे थोड़ा डील करने वाला, ठीक है। ये मैं स्केचेज को यहाँ पर मैं तो नॉर्मली मैं बनाने वाला हूँ, क्या मैं स्केचेस को यहाँ पे कैसे दिखा सकता हूँ, ये स्केचेस आपको बनाना का भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगा। अदरवाइज ये एक पार्ट और भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश बनाया था, देखिए यहाँ पे ऐसे भी पार्ट है, और एक पार्ट में बस ऐसे भी लाइक मैं यहाँ पे जैसे इसको मैं ब्रश बनाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आर्टिक पे गए डिफाइन ब्रश ब्रशर्स, ठीक है, यहाँ देखो ब्रश कैसे आ रहा है, यहाँ देखो अभी मैं इसमें क्लिक करता हूँ, देखो दिखा कुछ अलग से मैं
ऐसे करके मैं अल्पाल का डिलीट कर देता है, ठीक है, या तो कुछ पार्ट मुझे करना है या मैंने साइज को मैंने तो ऐसे करके मैं तो डिलीट कर देता है। मैंने काम किया फुल अमाउंट, ये पूरा पार्ट यहाँ पे इसका स्टेंट है, स्टेंट कंटू करता है, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं ऑपोसिटी को कम करते हैं, साइज को मैं थोड़ा लेकिन ये ऐसे करके थोड़ा डील करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सकते हैं ये पार्ट, ये पार्ट होता है, मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं पेंट भी कर देता हूँ। तो ये भी एक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको मैं पे मैनेज कर सकता हूँ। तो ये मतलब कहीं जगह कुछ बेटर दिखेगा तो ये मैं कुछ ऐसे कुछ मैनेज कर देता हूँ। तो सिंपल सा पार्ट मैंने किया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको एक बार क्या करता रिसीव कर लूँगा, अगर कई बार ऐसा नहीं होता तो मैंने यहाँ पे लैम्प टेक्सचर मैंने ऑन कर दिया एंड देन सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ के माया में इतना भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्टेप आपका यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे देखा है, ये स्क्रीन भी आपके यहाँ पे दिख जाएगा, आप कैसे चीज़ को मैनेज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ को लेकर देखो, देखो जितनी छोटी यूवीज है उतने उतने ही बड़े स्केचेज आएंगे, तो वो यूवीज को समझना पड़ेगा, यूवीज को कैसे। तो हम लोग इस पर भी थोड़ा सा आराम से डील करेंगे, कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं।